नहीं तो ऐसा माहौल है कि देश में असहिष्णुता इंटॉलरेंस जैसा जिसमें बहुत तकलीफ है, मतलब खासकर मुसलमान किरदारों को बहुत तकलीफ आती हो काम करने में, उन पर दबाव बनाया जाता हो, उन्हें पूरी तरह से रोक दिया जाता है। सर रिक्वेस्ट आप प्लीज प्लीज यार ये वो जगह नहीं है यार, ये कुछ और जगह है। बोलिए बोलिए क्या सवाल है। सवाल ये था उनका कि क्या आपको ऐसा लगता है जो इंटॉलरेंस की बात लगातार सामने आ रही है बॉलीवुड से, जहाँ पे जो मुस्लिम कलाकार हैं लगातार आमिर खान, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, शाहरुख खान, ये लोग कहते आ रहे हैं कि यहाँ इंडिया में रहना मुश्किल हो गया है। सुना है सी, उनका एक अलग तबके के बारे में एक बात वो कह रहे हैं, जहां पे आप देखिए कि एक लड़के को, आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पे बोला जा रहा है कि आप जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अगर उसने नहीं बोला आप देखिए कितने लोग मर गए। तो एक ये ऐसी चीज है कि ये एक तबके का कोई ऐसा फैलाया जा रहा है जो शहर में हमारे हिंदू मुसलमानों के बीच में दरार डालने जा रहे हैं, क्योंकि हाँ तबरेज अंसारी और भी है बहुत सारे, कई है, मतलब आप देखिए फैलू खान है, और अगर सेम टाइम पे आप ले लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज होती है उसका वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पे, कुछ आईटी सेल्स है, देखो हम 100 करोड़ लोग हैं, वो 100 करोड़ सोशल मीडिया पे नहीं है, आपके माँ बाप, मेरे माँ बाप, इनके ख्यालात उस पर नहीं आ रहे, उसके ऊपर ख्यालात जा रहे आईटी सेल्स चलाने वाले अलग अलग कंपनीज है, आपको पता होगा मीडिया है आप, तो उसके अंदर से वो लोग ऐसे क्वेश्चन, ऐसी चीज़ें आप देखिए ज़्यादा वायरल करते हैं जिससे माहौल ख़राब हो हिंदू मुसलमानों के बीच में, सरदारों के हिंदुओं के बीच में, कैथलिक के हिंदुओं के बीच में, वैसा है नहीं, हम सब एक साथ ही अगर ऐसे देखा जाए तो। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, जो आपने बताया दोनों गलत है, इसकी निंदा हम भी करते हैं, लेकिन जब एजाज खान खुद एक वीडियो बना के मुस्लिमों को भड़काते हुए नजर आते हैं तो कितना सही है, वो भी ये कि सही है उसके बाद का, प्लीज प्लीज प्लीज, नो 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 सर, यू आर गोइंग सो डीप, नो यू विल यार देखो भाई मुझे किसी ने बुलाया है वो आप मुझे पर्सनल मिलेंगे।